निर्देश दिया कि हम सब लोग जो भीम संसद के सदस्य हैं वो हम सब लोग एक प्रतिज्ञा लेंगे। प्रतिज्ञाओं में ये 6 प्रतिज्ञाएं हैं। पहली है कि मैं भीम संसद का सदस्य हूं और प्रतिज्ञा करता हूं। नंबर 1 कि मैं भीम संसद का सदस्य हूं और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। नंबर 1 कि मैं भारतीय संविधान की तन मन धन से रक्षा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा ये है कि मैं भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के लिए दिए गए अधिकारों के लिए हमेशा संघर्षरत रहूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा ये है कि मैं एससी एसटी समाज के किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना नहीं करूंगा और न ही आलोचना करने वाले किसी व्यक्ति की किसी प्रकार से सहायता व समर्थन करूंगा। अगली है कि मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के परमादेश कमांडमेंट शिक्षित करो को पूर्ण करने के लिए पढ़ो पढ़ाओ आंदोलन में तन मन धन से समर्पित रहूंगा। अगली है कि मैं समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। और अंतिम है कि मैं एससी एसटी समाज के लिए चलाए जा रहे सामाजिक आर्थिक आंदोलन को अपनी क्षमता के अनुसार आर्थिक योगदान अवश्य देता रहूंगा। ये 6 प्रतिज्ञा है। बाकी स्पीकर सर अभी जो भी ब्रीफ करना चाहेंगे। ये आपके सामने आइडिया दिया है, इसको सीधा करना, आप लोग सब मिलकर के इसके लिए कोई 5 आदमी कमेटी बना दी जाए और वो इसका मैं समझता अनुपालन करने लायक बातें लिखी जाए, इसमें शपथ जो दिलाई जाए वो जो संभव हो सके, जो हम लोग जिसको पूरा कर सके, क्यों भाई साहब हम जो लोग पूरा नहीं कर सकते उसको ना लिखा जाए। और मैं समझता हूँ क्योंकि एक शपथ दिलाई थी आपको, हमने उसी को ध्यान रखते हुए रखा है। एक लाल किले के अंदर एक चबार कॉन्फ्रेंस हुई थी 1922 में। 1922 बहुत पुरानी बात है, ये मंत्री देवीदास करोलबाग के थे, उन्होंने करवाई थी। तो वहाँ पर कुछ शपथ ली गई थी, लोटा नमक डालने की उन दिनों शपथ होती थी, तो सबने कसम खाई थी कि ना तो हम मरे हुए जानवर उठाएंगे ना मरे हुए का मांस खाएंगे। तो वो शपथ उन दिनों की ली हुई आगे चली, लोग मारे मर गए, पेड़ के बांध के पीटे, किसी ने डंगर नहीं उठाए, किसी का भी जानवर उठाने का काम नहीं किया, बंद कर दिया। और मरे हुए का भूखे मरे चाहे जो काम मिला जैसे लिया वो सब किया, लेकिन मरे हुए का मांस खाना बंद कर दिया। तो वो एक शपथ थी लोगों ली, वो आखिर तक अब तक चलती रही, चल रही है। तो ऐसे ही ये शपथ कम से कम हम लेंगे तो कुछ समय लग जाएगा मानने में चलने में, लेकिन जो जो लोग शपथ लेंगे वो उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये रखाने की कोशिश की गई है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ जब प्रोग्राम हो इस तरह का, हमारा भीम संसद बैठे तो वो शपथ लेकर के सब इस तरह बैठे, ये हमारी सोच है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।